क्रिकेट के मैदान पर आपने गाली देते हुए तो बहुत से खिलाड़ियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को बल्ले पर गाली लिखकर मैदान पर उतरते हुए देखा है? ऐसी और भी रोचक खबरें इस बुलेटिन में। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर इस टेस्ट मैच के दौरान एक विवाद में फंस गए हैं। दरअसल इस टेस्ट मैच के दौरान बटलर ने जिस बल्ले का बल्लेबाजी के लिए इस्तेमाल किया उस पर अंग्रेजी में गाली लिखी हुई थी। इंग्लैंड ये मैच 2 पारी और 55 रन से जीत गया, लेकिन बटलर को ऐसी हरकत करना महंगा पड़ सकता है। डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी की वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम में युवा लेरॉय साने को जगह नहीं मिली, जबकि अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नुएर को टीम में शामिल किया गया है। मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले 22 साल के साने को प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने साल का सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर चुना था, लेकिन कोच जोकिम लियू की 23 सदस्यीय टीम में उनको जगह नहीं मिली है, जिससे सभी फुटबॉल फैंस हैरान हैं। पुरुष टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। ये राफेल नडाल के करियर की 900वीं जीत है। ऐसा करने वाले नडाल दुनिया के 5वें खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद ICC ने अपनी ताजा टेस्ट रैंकिंग का ऐलान कर दिया है। इस रैंकिंग में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स को फायदा हुआ है। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली 912 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर बरकरार है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंधित पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ 929 अंक के साथ नंबर 1 बल्लेबाज के स्थान पर बरकरार है। स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहें स्पोर्ट्स वाला के साथ।